Hey guys, assalamu alaikum. कैसे हैं आप सब? ओके, चुप करें. किसी की मजाल, इनकी मजाल मुझे आगे रोके. अब देखें, टाइम खत्म हो गया, कोई रोक रहा है? यस, दिस इज द पावर ऑफ पैदल चलने वाले लोग. Hey guys, assalamu alaikum. कैसे हैं आप सब? तो जनाब, आज के व्लॉग बहुत मजे वाला होने वाला है, क्योंकि यार वो देखें जींस, क्योंकि आज हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए. ये क्या ग्रोथ, ओह माय गॉड. जिन बच्चों को दाढ़ी नहीं आती, जिन इतनी उम्र के बच्चों को दाढ़ी नहीं आती, इससे आ जाएगी. तो जनाब, आज हम जा रहे हैं नाइट मार्केट, जो कि हमारे घर से सबसे करीब पड़ती है, वो वाली नाइट मार्केट जा रहे हैं. और मैं तो जाती रहती हूँ, आज आपको पहली दफ़ा लेके जा रही हूँ वहाँ पे. ये देखें, ऐसे ईवू में यहाँ जगह जगह इन्होंने स्टॉल्स लगाए होते हैं, और इनके पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि हमें नहीं चाहिए अभी. ये नीम हकीम बैठे हुए हैं सारे. विटामिंस की गोलियाँ और पैचेस वगैरह, जो पेन वाले पेन के लिए पैचेस होते हैं ना, वो लेके. बैग से चेक करें जरा, ये स्टॉल ज्यादा नहीं हो गया आजकल यार? ये देखें कितनी पतली वाली जीन्स है. बैग्स चेक करें आप, A1 कॉपीज. यही बैग जी, मुझे पता है. ये देखें, ऐसे गाड़ी की डिक्कियों में इन्होंने सामान रखा होता है, और कहीं पे भी खोल के बैठ जाते हैं, क्योंकि फॉरेनर्स यहाँ पे बहुत आते हैं, इसलिए हर जगह आपको लगेज देखने को मिलेंगे. ये देखें जनाब, बच्चों के शूज ढेरों ढेर. और यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी आम है, हाँ, रोड साइड पे ये लोग बैठ जाते हैं गेम्स लगाने के लिए. वो रिंग्स पड़े हैं वहाँ पे, इनके ऊपर रिंग्स फेंकते जाओ और जीतते जाओ. ये देखिए, हट जा. एक ये है और एक ये है बलून्स वाले. यहाँ की रोड्स का हालात भी कुछ पाकिस्तान जैसा है, लेकिन ये नहीं है, ये रिपेयर हो रही है. डिपेंड करने आ गए, ये फौरन से रिपेयर कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते. लेकिन बारिशों की वजह से ये डिले हो गया, शायद एक दो दिन में बन जाए. ये भी गेम्स में आता है. हम लोग आ गए हैं नाइट मार्केट. ये है उसकी एंट्रेंस. और सबसे पहले आ जाता है फूड कोर्ट. ये सारी फूड स्ट्रीट है और ये सब चाइनीज फूड्स हैं. यहाँ पे कुछ गंदा दिखे, आंखें बंद कर लेनी आप लोगों ने खुद ही. मैं देख नहीं रही, मैं बस दिखा रही हूँ. ओके, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हमें अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाती हैं, गंदी चीज़ें क्यों नहीं दिखाती हैं? तो ये लें जनाब, अब ये क्या है? कैसा लग रहा है? स्मेल आ रही है सबको? यम है उनके लिए. सजी भी है किधर? सजी
ये तो वाकई चिकन है। और यहाँ से प्रॉपर शॉप्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले तो फ्लावर्स हैं हमारे पास, उसके बाद ये टर्टल्स प्रिंटेड, इन्होंने इनको भी नहीं छोड़ा, इनके ऊपर भी आर्ट कर मारा है, स्टिकर्स लगा दिए। वो सारे हैमस्टर्स हैं वहाँ पे, बर्ड्स भी हैं। Let's go. ये जी सारे ब्रांडेड शूज की कॉपी। ये साइड दिखाऊं, वो साइड दिखाऊं? ये सारी ब्रांडेड वॉचेस की कॉपी। यस, वो घड़ी मांग ही रहा था। ये सारे गैजेट्स हैं इनके पास। यू वांट टू हैव स्मार्ट वॉच फॉर योर ऑडियंस? ऑडियंस ऐसे ही देख ले। आ जाओ 10 से जमा उम्र में। ओके, ये पावर बैंक्स है। मुझे ये लेके जानी है जाने से पहले। जी, मुझे तो नजर आ ही नहीं रहा था। थैंक्स सो मच, आपने मुझे बताया। ये वाला जो स्टॉल है, ये भी सारा गैजेट्स के साथ भरा हुआ है। इसको श्री राम दाखे मतलब सारे बच्चों के कपड़े। क्यूट क्यूट बॉटल्स। नाइट मार्केट की स्ट्रीट्स कुछ ऐसी दिखती हैं, तंग तंग और स्टॉल जी स्टॉल जगह जगह। एक जीन्स ले लिया मैंने यहाँ से, आपको मैं दिखाती हूँ कौन सा कलर। ये वाला कलर, ये वाला पैटर्न, नीचे से कुछ ऐसी है और ऊपर से कुछ ऐसी है। मुझे इस तरह की बहुत पसंद है, बहुत कंफर्टेबल रहती हैं, आपको ना उसकी ज़रूरत होती है बेल्ट की, बहुत कम्फी रहती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू, बाय 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 बाय। सॉक्स लेनी है? आगे परफ्यूम्स, ये आगे सारे जूते। What's this? सेले लग चुकी हैं आजकल वाइट शर्ट्स पे, स्वेट शर्ट्स पे भी। सारे वाइट स्नीकर्स हैं यहाँ पे। ऐसी मैंने ली थी स्टार्टिंग में, ब्लैक कलर में। जैसे मैंने ब्लैक नहीं ली थी स्टार्टिंग में, ये टाइप किया।
इसके स्लीव्स प्यारे हैं बस जाना हमने उतार दी है हाउ सैड सबने कहना ये तो रास्ते में आते आते फट गया ये देखें जरा क्या चीज बनी हुई है इतना लिटिल बैग है छोटू सा वहां पे वो खाना पीना कर रहे हैं सोने का बैग भी पड़ा हुआ है वहां पे छोटे बैग्स कितने ज्यादा हैं यहाँ पे ये वाला देखिए ये क्यूट है ओह वाओ ओके दिस इज क्यूट सोचा था कभी मुझे ऐसी चीजों का शौक आएगा लेकिन अभी तक आया नहीं है हेलो ये है अगरबत्तियाँ अगरबत्ती का कॉन्सेप्ट इधर भी है यार अगरबत्ती का कॉन्सेप्ट इधर भी है ये कौन यूज करता है फैन है ये कितने मजे की स्मेल है इधर ले जाए अगरबत्ती रूम में अगरबत्तियां लगाएंगे क्या बात है भाई क्या बात है ये सारी आ गई हेयर एक्सेसरीज तो बोला
这种都觉得好看呢，这个这个。对我来说都无所谓。嗯，这个太多了。太多了。我今天都五六，我七八九。干啥？我不会，不会，真不会。哎呀！यहाँ पे बहुत प्यारी झूल रही है यार. Cute. मुझे अकेला छोड़ के जाएंगे. हम तो लाइव जाना था आज. अभी वो लाइव स्ट्रीम ऑन नहीं हो सकती. क्यों? 24 आवर्स के बाद होगी. क्या मतलब? आई डोंट नो, उनकी कोई रिस्ट्रिक्शन है. अरे जिसके नाम नहीं मिल रहा है उन्हें पहले ऑन किया होगा. जब ज़्यादा सर्दियाँ थी तो यहाँ पे हर जगह जैकेट्स ही जैकेट्स थी. अब जो है वो कम हो गई हैं. तो आते हैं हम पापा यहाँ. ये कितने क्यूट हैं, क्रिस्टल्स के हैं ये. देखो टेडी बियर वाले. यहाँ पे देखिए कितने क्यूट से मुझे इयररिंग्स नजर आ गए हैं. यहाँ पे एक और है जो बड़ा प्यारा लग रहा है. ये देखिए मतलब कितना प्रिटी है. इस लेन में इन्होंने जितने भी लगाए हुए ना सारे बहुत हसीन है. एक और था यहाँ पे जो मैंने देखा है अभी, ये वाला देखिए, ये कितना प्यारा लग रहा है. वेरी नाइस. इसमें एक ये देखा है मैंने जो के बहुत ही हसीन लग रहा है. इसके अलावा इनके पास ब्रेसलेट्स हैं, पेंडेंट्स हैं, सब कुछ है. ये देखें जी यहाँ पे ढेरों ढेर मसाजर पड़े हैं. कुछ नेक मसाजर हैं और कुछ डिफरेंट डिफरेंट. और ये भी इनके मसाजर होते हैं. ये सब जो है मसाजिंग के लिए यूज होता है. और यहाँ पे बेडशीट का स्टॉल है. और मैं फुल थक चुकी हूँ क्योंकि मेरे हाथ में बहुत सारे शॉपर्स हैं. मैंने काफ़ी शॉपिंग कर ली है. अब मैं चलती हूँ वापस. आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा नाइट मार्केट किस तरह की दिखती है चाइना में. बिल्कुल इस तरह की दिखती है. और सब कुछ मिल जाता है यहाँ से. हर चीज़ अवेलेबल होती है आपके लिए. घर की टॉवल से लेके, किचन एसेसरी से लेके, टॉयज से लेके, कपड़े जूते हर चीज़ जो है ना यहाँ से मिल जाती है आपको. हाउस होल्ड की कोई भी यूज़ की चीज़ होती है ना सब मिल जाती हैं. मैंने बैग्स भी लिए हैं. अब मैं आपको जाके दिखाऊंगी बैग्स किस तरह के लिए मैंने. और
ये क्या है, ट्राउजर्स हैं ये लगे हुए, कुछ पतले पतले मिल जाए ना ट्राउजर्स, लेकिन अब मेरे हाथ फुल भरे हुए हैं, इस टाइम मैं कुछ भी नहीं देख सकती, बस आपको दिखा देती हूँ। ये देखें बर्तनों की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे। ये सारे राइस कुकर हैं यहाँ पे पड़े हुए जो इलेक्ट्रिक होते हैं, बहुत काम की चीज़ है यहाँ पे, चाइना में रहते हुए तो इलेक्ट्रिक कुकर जो है, राइस कुकर, वो बहुत यूज़ होते हैं। ये देखें जी स्ट्रॉबेरीज, यहाँ पे 1 बज रहा है रात का और रश चेक करें अभी भी लोगों ने कैसे लगाया हुआ है। एक स्टॉल यहाँ से उठ गया है, वो चला गया होगा वापस। ये देखें लगेज यहाँ भी हैं, ये फ़ोन केसेस भी होते हैं यहाँ पे, आईफोन के ज़्यादा हैं, सैमसंग के ज़रा मुश्किल से मिलते हैं। मैंने यहाँ पे आके ना अब तक वो नहीं लिया फ़ोन केस। ये देखें जी मेकअप प्रोडक्ट्स भी हैं सारी यहाँ पे पड़ी हुई, जो कि मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है इन चीज़ों का। अच्छा ये देखें, ये वो चीज़ें हैं जो प्लांट्स इनके अंदर उगते हैं, ये तो स्ट्रॉबेरी वाला ना, ये रियल चिलीज हैं, ये पुदीना है, और ये है क्या कहते हैं इसको, अच्छा ये वो चीज़ है जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी ना एक दफ़ा, कि उसके अंदर मैंने पानी डाला, ये देखिए ये वाला, और उसके ऊपर ग्रास आ जाती है, तो ये इस तरह से आती है। तो ये मैं अपनी कैट को खिलाती हूँ, अब वो बड़े मज़े से खा लेती है, ऐसे ही होता है, कैट का पेट नहीं ख़राब होता अगर कोई प्रॉब्लम हो, उनको फीवर हो या कोई भी ऐसा मसला हो जो आपको समझ ना आ रहा हो। एक्सक्यूज़ मी, तो कैट्स जो हैं ये ग्रास खा के बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, सेट हो जाती हैं। तो जनाब ये बात है, मैं कुछ और चीज़ें देखना चाह रही थी बट मेरा हाथ इतना फुल हुआ हुआ है, मैं कुछ पकड़ नहीं पाऊँगी और ना ये चीज़ें रख के देख सकूँगी कुछ और, इसलिए बस चलते हैं, आप दोबारा आ जाएंगे। अच्छा क्या मैं कैट का बता रही थी, कैट के लिए ना मैं उसको ग्रास को कट करके उसके फूड में ऐड कर देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट तो उसने नहीं खाना, वो सिर्फ स्मेल करके पीछे हो जाती है, तो मैं कट करके उसके फूड में डाल देती हूँ ताकि वो इजीली खा ले, जैसे बच्चों को ट्रैप करते हैं ना वैसे ही मैं बिल्ली को ट्रैप करती हूँ और वो हो भी जाती है। आगे से ब्लॉकेज है, ये देखें। अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये जो रोड है ना, ये एक रोड है ठीक है जहाँ से ट्रैफिक गुजरती है, ये वो रोड है जहाँ पे इन्होंने ये सारे स्टॉल्स लगाए हुए हैं अपने। ये क्या चीज़ है, कितना लाइट वेट ट्राउज़र है ये, तो इसका साइज है 2XL, बट ये लग नहीं रहा 2XL, वेरी नाइस। ये इस टाइम मेरा हाथ बिल्कुल फारिग नहीं है, नहीं लग रहे, नहीं रुक रहे। वाओ दिस इज सो नाइस, आई वांट दिस। हाँ जी जनाब, तो वो ब्लैक शर्ट थोड़ी ज़्यादा पसंद आ गई है तो लेनी पड़ गई है, ठीक है वो मैंने ले लिया और अब चलते हैं वापस। मैं आपको इस रोड के बारे में बता रही थी कि ये रोड जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल दिन के टाइम आपको नज़र नहीं आएगा कि यहाँ पे कोई स्टॉल था, ये बिल्कुल रेगुलर रोड की तरह दिखता है जैसे बाकी रोड्स में ट्रैफिक चल रही होती है, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन रात के टाइम यहाँ पे ट्रैफिक बंद हो जाती है और ये जो है उस पूरी रोड को ब्लॉक करके उसके ऊपर अपने स्टॉल्स लगा लेते हैं। और हैरानगी की बात है, जब आप दिन के टाइम यहाँ पे आते हो, दोपहर के टाइम जब भी आते हो, आपको कभी भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे कोई स्टॉल्स थे। अब जनाब मैं बाहर आ रही हूँ नाइट मार्केट से, बहुत शोर है यहाँ पे। ये देखें जी मेरा सामान, और अब मुझसे चला नहीं जा रहा। एक बज गया और यहाँ पे रौनक देखिए अभी भी कैसे है।
इसके पास देखें कितनी क्यूट कैट है। मैं काफ़ी देर से बाहर हूँ, मुझे अपनी पोलो भी बहुत याद आ रही है, तो जनाब जल्दी से चलते हैं पोलो के पास और रेस्ट करते हैं। अब सैरी का टाइम भी होने वाला है तो अब जल्दी से घर पहुँचते हैं। तो जनाब व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो, वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कुछ पूछना हो तो भी बताएं, और किसी का ईबू चक्कर लगे तो इस नाइट मार्केट में ज़रूर विज़िट करें जो चोजू नॉर्थ रोड पे है, ठीक है। बहुत मज़े की मार्केट है ये और सबसे बड़ी नाइट मार्केट है यहाँ की। एक दो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी ना, वो वाली इससे छोटी है, ये वाली सबसे बड़ी है। यानी पूरी रोड पर ये लोग जो है ना नाइट मार्केट लगा के बैठे हुए हैं, तो बहुत मज़े का इन्वायरमेंट है। शॉपिंग बहुत मज़े की होती है, बहुत इन्जॉय करता है बंदा, तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। मेरे साथ साथ अगर आप लोगों ने भी इन्जॉय किया तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और दिल करे तो किसी के साथ शेयर भी कर देना। सांस चढ़ गया। ओके जी, ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा सब। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।